दोस्तों लग्जमबर्ग को लेके बहुत अच्छी गुड न्यूज आ रहा है, क्योंकि बहुत सारा लोगों को जॉब ऑफर लेटर अभी मिल रहा है, क्योंकि अभी चल रहा है लग्जमबर्ग पे बहुत सारा लेबर शॉर्टेज। और ये लेबर शॉर्टेज के टाइम पे अगर आपको अप्लाई कर रहे हो तो आपका ऑफर लेटर आ रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करना है, नॉर्मली आपको अप्लाई करना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वजीत और आप लोग देख रहे हो अब्रॉड जॉब्स गाइड। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों लग्जमबर्ग में जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत दिन से चल रहा है, मैं बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी लग्जमबर्ग के लिए बना चुका हूँ, लेकिन कुछ बात है जो आपको जानना जरूरी है। देखो बहुत लोग एक कंट्री के लिए अप्लाई करते तो सबका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि एक जो जो अगर मान लो एक कंपनी में 50 वैकेंसी है, लेकिन वो फॉर्म फिलअप हुआ है 100 आदमी का, तो 100 आदमी का तो सिलेक्शन नहीं होगा ना, 50 आदमी को लिया जाएगा। तो वो 100 में से आपको आपका सीवी सिलेक्ट करने के लिए आपका सीवी चाहिए प्रॉपर वे से, आपका रिज्यूम कॉवर लेटर रेडी करना है। अगर आपका रिज्यूम कॉवर लेटर प्रॉपर वे से आप रेडी करोगे तो वो 100 में से जो 50 बंदों का नाम आएगा उसमें आपका नाम आएगा, है ना। क्योंकि देखो आप बहुत जगह पे अप्लाई कर रहे हो लेकिन आपका रिस्पांस नहीं आता है। देखो लग्जमबर्ग में अभी बहुत सारे लोगों का रिस्पांस आ रहा है, ठीक है, बहुत सारे लोगों का अभी कॉल आ रहा है इंटरव्यू के लिए। अगर आप इंटरव्यू कर पा रहे हो, अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हो रहा है तो वो लोग आपको वीजा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो लग्जमबर्ग के लिए, कौन सी जॉब अवेलेबल है और कौन सी ऐसी कुछ एजेंसीज है जो आपको वीजा प्रोवाइड करते हैं, बहुत अच्छी और ऑथेंटिक एजेंसीज के बारे में हम बात करने वाला है, और टॉप कुछ वेबसाइट के बारे में जिसमें आपको अप्लाई करने में जेन्युइन वेबसाइट है और आपका रिप्लाई आने का चांस बहुत हाई रहता है और ऑथेंटिक जो है आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। लग्जमबर्ग जो है एक बहुत अच्छी कंट्री है। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा अगर आप लग्जमबर्ग में जाओगे आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाला है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर लग्जमबर्ग जो है एक दुनिया में सबसे रिचेस्ट कंट्री बोला जाता है लग्जमबर्ग को, ठीक है, बहुत अमीर कंट्री है। इधर का जो ट्रांसपोर्टेशन है, अगर आप एक जगह से दूसरे जगह जाओगे तो फुल फ्री है। आप सोचो आप किसी जगह पे रह रहे हो, आप बस पकड़ोगे, ट्रेन पकड़ोगे, ट्राम पकड़ोगे, कुछ भी पकड़ोगे, आपका कोई कोई चार्जेस नहीं है, कोई टिकट कटने की जरूरत नहीं है, फुल फ्री होता है लग्जमबर्ग में। तो ये एक आपके लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट जो है अगर आप फैमिली लेके जा सकते हो, क्योंकि इधर का जो एजुकेशन सिस्टम है, मेडिकल सिस्टम है, जो हेल्थ केयर सेक्टर है बहुत अच्छा है, तो अगर आप चाहो तो जा सकते हो फैमिली लेके। और फैमिली लेके जाने का एक एडवांटेज भी है, क्योंकि इधर का जो मिनिमम रेंज ऑफ सैलरी है 1200, तो 3000 टोटल 3000 के आसपास आपका सैलरी मिलने वाला है दोनों के मिलाकर, मतलब किसी भी ग्राउंड लेवल पे काम पे जाओगे तो, ठीक है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये बनता है। नेक्स्ट जो है जॉब वैकेंसी। दोस्तों लग्जमबर्ग में बहुत दिन से मैं बोल रहा हूँ बहुत सारा जॉब वैकेंसी अवेलेबल है, आप लोग चाहो तो इस टाइम आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप लोग चाहो तो एप्लीकेशन डाल सकते हो। कौन सी सेक्टर में जॉब वैकेंसी अवेलेबल है मैं एक एक करके आप लोगों को बताता हूँ। देखो हेल्थ केयर सेक्टर में जॉब वैकेंसी अवेलेबल है, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है इसमें भी जॉब वैकेंसी अवेलेबल है, उसके साथ साथ आपका जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर है जिसमें कुक, शेफ, बहुत सारा जो हॉस्पिटलिटी क्लीनर, हाउसकीपिंग, रूम अटेंडेंट जो होता है इसमें भी जॉब वैकेंसी अवेलेबल है। हेल्थ केयर सेक्टर में अंदर जो जॉब वैकेंसी होता है जैसे मेडिकल नर्स होता है। नेक्स्ट जो है रिटेल सेक्टर में जॉब वैकेंसी अवेलेबल है। तो ये जो सेक्टर है इसमें अगर आप जॉब के लिए एप्लीकेशन डालना चाहते हो तो आपके लिए ऑनलाइन प्रोसेस जो है, आपका ऑनलाइन जो पोर्टल है उसमें जाकर आपको अप्लाई करना है। दोस्तों अप्लाई जब आप करोगे ना तो आपके जैसा 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं ओनली 2 सीट के लिए, 2 वैकेंसी है, 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो आप जो रिज्यूम बनाओगे वो प्रॉपर वे से बनाना चाहिए तो आपका रिप्लाई आएगा। यूरोपास रिज्यूम बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कंपनी आपका रिज्यूम बहुत अच्छे से फॉलो करता है। आपने रिज्यूम में क्या क्या लिखा है, आपका रिज्यूम का जो समरी है, जो अबाउट, जो आपके आपका जो डिटेल्स होता है उसमें आपने क्या लिखा है, आपका कॉवर लेटर जो है क्या ऐसा चीज आपने कॉवर लेटर में लिखा है जो जो इंटरव्यूअर है, जो जो सिलेक्टर है, उन लोगों का अच्छा लगे, तो इसके ऊपर डिपेंड करके आपका सिलेक्शन होता है। तो अगर आप प्रॉपर ये चीज मेंटेन नहीं करोगे आपका रिस्पांस कभी भी नहीं आएगा। लोग बोलते हैं भाई मैं 5 साल से अप्लाई कर रहा हूं मेरा नहीं आ रहा है, मैं 1 साल से अप्लाई, और कोई कोई ऐसा है 7 दिन अप्लाई किया उसका कॉल आ गया, तो ये तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है दोनों आदमी से, है ना। तो ये जो है आपका प्रॉपर गाइडेंस में प्रॉपर वे से रिज्यूम रेडी करना है। अगर आपके पास प्रॉपर रिज्यूम है तो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपके पास प्रॉपर रिज्यूम नहीं है तो आप पहले रिज्यूम बनाओ, उसके बाद मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाके बहुत सारा कंपनीज का
लिंक मिल जाएगा, उधर जाके आपको अप्लाई करना है। जो रिज्यूम है और कॉवर लेटर है हम बहुत कम प्राइस में आपका बना के देते हैं, जो आपको जॉब मिलने के लिए 100% हेल्प करेगा। और आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाके आकर बहुत सारा कंपनीज का लिंक मिल जाएगा, उधर जाके आपको अप्लाई करना है। उनमें से जो साइड में मैं लिखा है ऑथेंटिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपने साइड में लिखा है मैं इंपॉर्टेंट, वो वाला आपको 100% अप्लाई करना है, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे ज्यादा अभी सिलेक्शन चांस है। ठीक है, उसमें से बहुत लोगों का रिप्लाई आया, तो इसलिए मैंने बोला वो वाला आपको यूज करना है। नेक्स्ट जो है, आपका रिज्यूम बना के आपने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद क्या प्रोसेस किया है, देखो आपने अप्लाई किया, मान लो 10 जगह पे अप्लाई किया, एक जगह पे आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, मतलब आपका फोन बाय कॉल इंटरव्यू हो सकता है, वीडियो कॉल में इंटरव्यू हो सकता है। तो आप उसके बाद आपको इंटरव्यू फेस करना है, आपका किसी भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो उस हिसाब से वो लोग इंटरव्यू लेते हैं, वो इंटरव्यू आपको प्रॉपर वे से अप्लाई करना है, वो इंटरव्यू आपको फेस करना है, फेस करने के बाद आपका वीजा के लिए अप्लाई करना होता है। तो ये वीजा के जो अप्लाई है स्पॉन्सर वीजा होता है, ये कंपनी प्रोवाइड करता है, आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं होता है, 90% जो है कंपनी प्रोवाइड करता है आपका वीजा फीस, तो वीजा फीस कंपनी प्रोवाइड कर देगा। आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना पड़ेगा, आपका हो सकता है जॉब। आपका वीजा होने के बाद टिकट भी कंपनी प्रोवाइड कर देता है, फुल फ्री होता है। ठीक है, कंपनी टिकट प्रोवाइड कर दिया, आप नॉर्मली जा सकते हो। जो प्रोसेस है इतना सिंपल प्रोसेस है, आप जा सकते हो। बहुत लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करके जॉब मिला है दोस्तों, तो प्लीज़ अगर आपको जॉब नहीं भी मिलेगा आप सेफ रहोगे, क्योंकि देखो बहुत लोग बोलता है भाई मैं अप्लाई कर चुका हूँ मैं नहीं मिला है, लेकिन आपका लॉस नहीं हुआ कुछ भी, लॉस हुआ है अगर आप किसी एजेंट के पास जाओगे, एजेंट के पास जाके आप बोलोगे मेरे को लग्जमबर्ग में जॉब चाहिए, एजेंट आपका 12 लाख मांगेगा, अगर आपने 3 लाख एडवांस दे दिया, बाद में आपका जॉब नहीं मिला, एजेंट आपका फोन नहीं उठा रहा है, तो आपका लॉस हो गया। अगर आपको जॉब मिल जाए वो अच्छा है, अगर भगवान ना करे आपके साथ अगर ऐसा हो गया, आपका एजेंट ऐसा किया आपके साथ, तो आप जिधर थे उससे भी नीचे गिर जाओगे। लेकिन आप ऑनलाइन में अप्लाई करोगे, इसमें तो आपका लॉस कुछ नहीं है, मैं नहीं देख रहा आपका कुछ लॉस है, आप ऑनलाइन खुद ट्राई कर रहे हो, आपका नहीं हुआ तो क्या हो गया, नहीं हुआ आप दुनिया में दूसरे काम करोगे, कुछ भी दूसरे कंपनी में जाओगे, या गल्फ कंट्री में जाओगे, या कुछ भी जगह पे कुछ भी काम कर लोगे, लेकिन आपका लॉस कुछ नहीं है अप्लाई करने से। तो प्लीज़ ये बात आप ध्यान में देखिए, बहुत लोग मैं देखता हूँ ऐसा कमेंट करता है अप्लाई करके कोई फायदा नहीं है आपका, आप मैं गलत बोल रहा हूँ, ये बहुत कुछ बहुत लोग बोलते हैं। तो आपके हिसाब से आप सोचो आपके दिमाग में क्या आता है, अगर अप्लाई करके आपका कोई नुकसान हो रहा है तो आप प्लीज़ मत अप्लाई करो, आपको जो अच्छा लगे आपको जो ठीक लगे आप प्लीज़ वो करो, लेकिन मेरे हिसाब से आप अगर अप्लाई करोगे ऑनलाइन में इसमें कोई आपका नुकसान नहीं है, आपका 100% अगर जॉब नहीं भी मिलेगा तो भी आप जिधर थे उधर ही रहोगे, है ना, दूसरे किसी कंपनी में ट्राई करोगे, दूसरे किसी जगह पे जाओगे। तो प्लीज़ ये आफा पे मत पड़ो, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लोग डीमोटिवेट करने के लिए सब बोलते हैं, आप आपका काम करो, अगर आप आपका काम 100% करोगे तो कुदरत भी आपका साथ देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, जो लोग यूरोप कंट्री में जाने के लिए चाहते हैं उन लोगों से शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।